मैं तो यहाँ ये कहने आई थी कि मुझे भूख लग रही है, कॉफी और फ्रेंच टोस्ट बना देंगी मेरे लिए? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ये कोई 5-स्टार होटल है जो तुम मुझे यहाँ के ऑर्डर दे रही हो। भूख लग रही है ना तो खुद बना लो, किचन तुम्हारे सामने, या अपनी सास से कह दो वो बना देंगी तुम्हारे लिए। अरे भाई नॉर्मल शादियों में भी लड़कियां खाना पकाना शुरू कर देती हैं एक हफ्ते बाद, तुम पता नहीं कौन सी महारानी लगी हुई हो जब तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया। ये क्या तरीका है बात करने का? मुझे ज़हीन ने कहा था कि अगर कोई काम हो तो मैं आपको कह दूं, इसीलिए कह रही हूं। किस बात पे गुस्सा आ रहा बेटी तुम? कुछ चाहिए बेटा आपको? मैं दे देती हूँ। इनसे कहें कि मैं इनकी बहन नहीं हूँ, कि ये मुझसे स्टोन में बात करेंगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मेहमान हूँ इस घर में, बहुत जल्द चली जाऊंगी यहाँ से। आप लोगों के यहाँ मेहमानों की इज्जत नहीं की जाती? ओ भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी गर्म हो गई मुझ पे? सिर्फ यही तो कहा था कि अपना काम खुद कर लो जिस तरह हम सब करते हैं। और साफ बात है भाई, मैंने तो शादी के एक हफ्ते बाद ही अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था। और तुम कम से कम अपना तो बना सकती हो ना, अगर दूसरों का नहीं बना सकती तो? अरे खाना पकाने का क्या है, तुम मुझे बता दो बेटा क्या खाना, मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अब एक मिनट भी नहीं रुकूंगी इस घर में। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे ज्यादा सच्चाइयां बयान करने की? अगर वो खाने को कुछ मांग रही थी तो बना के दे देती ना, हाथ टूट जाते तेरे। वो खुद ही तो कह के गई है मोहतरमा कि चंद दिनों के मेहमान हूं इस घर के अंदर, और वो रहे ना रहे लेकिन मैं इस घर में रहूंगी अम्मा। पर आप ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, बता दूं मैं आपको। चल सर बेटी बात तो सुनो बेटी, सारे कहां जाएंगी आप, कहां जाएंगी? कहीं भी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सारा बेटा रुक जाओ। अरे अगर वो कुछ मांग रही थी तो उसको दे देती ना बना के, हाँ तेरी ज़बान नहीं रुकती है। अब मैं ज़हीन को क्या जवाब दूंगी? बहुत मौली, या अल्लाह ज़हीन बस तू जल्दी घर आ जा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AYI डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।